अपने सफर के बारे में लखन बताते हैं कि अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो ग्रेजुएशन में मेरा प्रदर्शन औसत नहीं सही कहूं तो बहुत खराब था, केवल 59% से इंजीनियरिंग की और वहां भी 4 वर्ष का कोर्स 6 वर्ष में पूरा कर पाया। ऐसे में मैंने कभी IAS या IPS बनने के बारे में नहीं सोचा था। इतनी बड़ी परीक्षा को पास करने का सोचना तो दूर, इसमें शामिल होने का निर्णय मेरे लिए बहुत हिम्मत का काम रहा। मेरा लक्ष्य तो बस RPSC परीक्षा पास करके RAS या RPS बनने का था और इसे सौभाग्य ही कहूँगा कि RPSC की लेट लतीफी से तंग आकर मैंने UPSC की तैयारी करने का निर्णय ले लिया। इस तथ्य को समझते हुए लखन ने अपने लिए करियर विकल्प हेतु सिविल सेवा परीक्षा के साथ साथ विभिन्न स्तर पर कई परीक्षाओं में भाग लिया। लखन सिंह यादव ने साल 2017 में 565 रैंक के साथ सिविल सेवा परीक्षा अपने चौथे प्रयास में सफलता प्राप्त की।